आपको स्वस्थ देखकर हमारा मन प्रफुल्लित होता। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ठीक है, आपने जो कुछ सामग्री हमें प्रस्तुत की है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि माता कैकेयी ने हमें हमसे यह वचन लिया है कि हम किसी के द्वारा दी हुई सामग्री स्वीकार नहीं कर सकते, ना ही मैं आपके राज में चल सकता हूँ। आपसे मेरी विनती यह है कि किसी खेवैये को बुलाकर ये जो नदी पड़ रही है, गंगा जी हैं, इनको पार करवा दो तो आपकी महान कृपा हो। नहीं महाराज, हम आपको जाने नहीं देंगे। आप अवधपुर की सीमा में नहीं है, निषाद राजपुर की सीमा में है। हम आपको नहीं जाने देंगे। मैं बचना से बंधा हुआ। बरस चारी दस वास बन मुनि व्रत वेश, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहाई भयो दुख भार। महाराज, और हम व्यवस्था करके कल ही आपके लिए रहने की समुचित व्यवस्था कर। ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहाई भयो दुख भार। हम किसी नगर अथवा गांव में नहीं प्रवेश कर सकते, हमें ये वर्जित है जंगल में ही। इसलिए आप हमारे साथ बहुत दुख उठाओगे, हमारे साथ मत चलिए। आप किसी खेवैये को बुलाकर एक नौका का प्रबंध करा दो तो आपकी महान कृपा होगी। प्रभु, नौका की क्या आवश्यकता है, अपने पास रथ तो है ना? नहीं यार, अब हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। तो ठीक है, महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाओ तो महान कृपा होगी। लेकिन भगवान, कैसे हम वापस जाएं? और विकट से विकट परिस्थिति में अपने सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला मंत्री आज अयोध्या के राज परिवार में आई छोटी सी उथल पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा, ये विवेक उचित नहीं है। आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं, मित्र भी हैं, इसलिए आपका उनके पास लौटना आवश्यक। आप अयोध्या को शीघ्र वापस लौट जाओ तो महान कृपा होगी यार। लेकिन कुछ हमारा भी सुने यार, वैदेही बेटी को वन में रहते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौट आकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि ये भी बन की ओर गई बचिए कौशल को। महाराज, कुछ प्राण बिल्कुल नहीं बचेंगे, इसलिए ये आपसे विनती है, जनक नंदनी को ही वापस कर दो। अवश्य, यदि जानकी लौट जाए तो मुझे भी परम खुशी होगी। हाँ सीते, यदि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ और सास ससुर की सेवा कर सको तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। यहाँ तक आर्य सुमन, लगता है तुम्हें सीता को लौटाने की बात त्यागनी पड़ेगी। मिथिलेश कुमारी, तुम हमारे साथ वापस चलो, कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारा दिल कहे वहाँ रहकर अपना समय व्यतीत करना, नहीं महाराज के प्राण नहीं बचेंगे। हाँ सीते, आर्य सुमन ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे जो बातें कह रही हो वो मैं भी विचार कर रहा हूँ। आर्य सुमन, तुम्हें सीता को वापस लौटाने का विचार त्यागना पड़ेगा, और अयोध्या वापस जाकर
मेरे महामनस्वी पिता से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलवाकर उसका राज्याभिषेक कर दें और भरत से कहिएगा कि उसकी दृष्टि में जाता कैकेयी की है वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी माँ कौशल्या को दी। और धीरज रखो आप। लक्ष्मण छोटे झुकार तुम ही वापस चलो अयोध्या। मंत्री जी अब तुम ही कहो जहां नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहां कौन लौट के जाए। हां कहना माता के इसे घी के चिराग जलाएंगे वे हम कांटे थे तो निकल गए निष्कंठक राज चलाएंगे वे ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। जिस राज्य में ऐसे आपत्तिजनक बातें आती रहेंगी उस राज्य में मैं बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहता। मंत्रीवर लक्ष्मण फिर वही दृष्टता आर्य समंत दिल की तख्ती पर छोड़ेंगे बचनों को मत लिख लेना तुम सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम माता दे आशीर्वाद हम कुशल सहित घर आएंगे जब 14 वर्ष पूरा होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे इन 14 वर्षों में भी क्षण मात्र न भूलेंगे उनको अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। और लक्ष्मण के बचकानी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा वहां पहुंचकर माता से मेरा प्रणाम कहिएगा और उनसे कहिएगा कि 14 वर्ष वन में बिताकर मैं उनके श्री चरणों में शीघ्र लौट आऊंगा। और अब आप हमारे पिता श्री के पास वापस लौट जाओ नहीं तो माता यही सोचेगी कि राम नहीं गया और पिताश्री के प्रति मिथ्यावादी होने का दोष लगाएगी। ठीक है और 14 वर्षों के बाद पुनः मिलना होगा। प्रणाम आर्य। निषाद राजगुरु अब आप किसी खेवैये को बुलाकर गंगा पार करवा दो तो आपकी महान कृपा होगी। ठीक है महाराज जब आप नहीं मान रहे हैं तो मैं बुला रहा हूं। बर बसरा